विधायक महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने गए। बुधवार को हुए मतदान में महेश्वर हजारी के पक्ष में 124 वोट मिले, वहीं विपक्ष इस दौरान अनुपस्थित रहा। विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उनके कार्य की सराहना की, साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं महेश्वर हजारी ने सभी का धन्यवाद किया। सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए, जब भी अध्यक्ष महोदय आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। हर चीज का और एक पुराना अनुभव है, हर चीज को जानते हैं। एक एमएलए के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और सब लोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और एक महत्वपूर्ण पद का वो संचालन करेंगे, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं इस सदन के तमाम सदस्यों को जिन्होंने श्री महेश्वर हजारी ऐसे जो संसदीय कार्य में जिनकी लगातार रुचि रही है और चौथी बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अपने सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजों सीखने को मिला और इनके आशीर्वाद से सांसद भी बनने का मौका मिला, विधायक भी बनने का मौका मिला और मंत्री भी बनने का मौका मिला। और जिस तरह से इनके कार्य करने की शैली है उससे बहुत सीखने। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 124 वोट से महेश्वर हजारी उपाध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कुछ है इसमें और कहने के लिए? देखिए समरा, महेश्वर हजारी बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं और ये 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, एक बार पार्लियामेंट्री चुनाव भी जीते हुए हैं। समस्तीपुर विधानसभा, समस्तीपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से एक बार एमपी भी रहे हैं और समस्तीपुर जिला में एक कल्याणपुर विधानसभा है जहां से वो विधायक चुन करके आते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जब विधानसभा में उपाध्यक्ष पद की बात हो रही थी तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए चुनौती भी मानी जा रही थी। पिछले दिनों जब विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका जब चुनाव होना था तो बहुत ही कंटेस्टेड ये हुआ था और सत्ता पक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि उपाध्यक्ष पद के लिए ये चुनौती होने के आसार थे। लेकिन जिस तरह से जो नाटकीय प्रकरण कल चला और इसके बीच में विजय चौधरी जो संसदीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि चूंकि विपक्ष नहीं है, संख्या बल कम है तो इनका अब ये वोटिंग करा लिया जाए। वोटिंग कराई गई और जो अध्यक्ष है विजय सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने वोटिंग करने का परमिशन दिया, वोटिंग कराई गई। उसके बाद में 124 वोट पड़े महेश्वर हजारी के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है कि उनका चुनाव निश्चित हो गया और वो चुने गए हैं विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए। और नीतीश कुमार, खास करके नीतीश कुमार, उनको शुभकामना भी दिए हैं। नीतीश ही नहीं बल्कि जितने सत्ता पक्ष के जो वरीय नेता है सभी लोगों ने उनको शुभकामना दी है। और इस तमरा सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर हजारी पहले आरजेडी के नेता हुआ करते थे। जो विधानसभा चल रहा था उसमें आरजेडी के वो नेता थे, कदावर नेता थे और उन्होंने आरजेडी के खिलाफ में ही मोर्चा खोल दिया था, खास करके तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ में उन्होंने मोर्चा खोल दिया था कि ये पॉकेट का संगठन हो गया है आरजेडी और तानाशाही रवैया चल रहा है। हालांकि जिस तरह से आरजेडी से वो नाराज चल रहे थे, जो चुनाव हुआ है 2020 में वो जेडीयू में शामिल हो गए, नीतीश कुमार उनको अपने पाले में डाल दिया, चुनाव भी जीते, चुनाव जीत करके आए हैं, तो उनको एक तरह से कहा जाए कि ये रिवार्ड दिया गया है उपाध्यक्ष पद का और कहीं ना कहीं ये आरजेडी के को करारा ये जवाब दिया गया है जेडीयू की तरफ से कि आपके पार्टी में जो कद्दावर नेता थे और वो माने उनका जो आपकी पार्टी में कद्र नहीं थी वो देखिए मेरी पार्टी में कितना कद्र है, मैंने
उनको उपाध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जवाब भी आरजेडी को कहा जा सकता है। बहरहाल जेडीयू के सारे जो नेता हैं या फिर खासकर के सीएम नीतीश कुमार ने उनको शुभकामना दी है। तमरा जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मनोज जी। तो आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक महेश्वर हजारी को 124 वोट से उपाध्यक्ष बना दिया गया है।